थाना रामगढ़ताल और स्वाट के संयुक्त टीम ने 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 20 लीटर अपमिश्रित कच्ची शराब, 500 ग्राम नौसादर, 500 ग्राम यूरिया और बिना नंबर प्लेट की बोलेरो गाड़ी बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान सोनू यादव पुत्र स्वर्गीय सुभाष यादव निवासी अतरवलिया टोला उसरहवा थाना पिपराइश जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौशल ने बताया कि गिरफ्तार किया गया 25,000 रुपये का इनामिया शातिर किस्म का शराब तस्कर है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के परिवार के सदस्य के नाम से महाराजगंज जिले में एक लाइसेंसी शराब की दुकान भी है, जिसके लाइसेंस निरस्त करने के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने बताया कि इस गैंग के अन्य सदस्यों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। खुलासे के दौरान सीओ कैंट सुमित शुक्ला भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुम ने बताया दुआएं तो है, उसमें चला गया था। ठीक है, संभावना इसी की है कि अपनी दुकान में भी खपा सकते हैं। इसी से रिपोर्ट भी भेजी गई है। दिक्कत है, इन्हीं की दुकान है तो उस पर खपाने का खूब चांस है। अच्छा, महाराजगंज में वो पनेरा वाला इंटीरियर टाइप का है, धरता यही है। कितनी पुरानी है? तो 60 साल की का होता है। अभी बताइए, मतलब कब से ये मिला है? तो लास्ट में मिला था, मैं लास्ट में मिला था। पहली बार ठेका मिला इसके? तो पहले सर पर तो लास्ट 6 साल वही वाली होगी। वही जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अवैध शराब और नकली शराब के विरुद्ध लगातार जनपद में कप्तान साहब के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत एक अभियुक्त सोनू यादव, जो 2014 से इस तरह के कार्यकलापों में लगा हुआ है, उसके ऊपर 2 मुकदमे लिखे हुए थे फर्जी लेबल लगा के अपमिश्रित शराब बेचने के। ये 2 मुकदमे हमारे रामगढ़ताल थाना और पीपीगंज थाना में लिखे हुए थे। इनके ऊपर 25,000 का इनाम भी किया गया था जब इसी इनसे जुड़े हुए बाकी लोग पकड़े गए थे, और ये अकेले बचे हुए थे। इनकी गिरफ्तारी अब पुलिस द्वारा की गई है, और साथ ही इनके पास से अवैध शराब और एक गाड़ी भी बरामद की गई है, और अब इनके ऊपर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, 2014 से अपराधों में संलिप्त रहे हैं, और 2014 से ये अपमिश्रित शराब और जो फर्जी लेबल लगा के शराब बेचा जाता है उसके क्रियाकलापों में रहे हैं। इनके ऊपर पूर्व में कई थानों में मुकदमे हैं, विशेष रूप से पिपराइच में, पीपीगंज में, रामगढ़ताल में, और भी इनका आपराधिक इतिहास पुराना है जो उसको भी खंगाला जा रहा है, और इनके विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी, जैसे गैंगस्टर जैसी कार्रवाई भी इनके तथा इनके साथ जो संलिप्त लोग हैं उनके विरुद्ध की जाएगी। देखिए, अवैध शराब कई तरह से भेजा जाता है। इनका मॉडस ऑपरेंडी मोस्टली गलत तरह के लेबल लगाने का था, गलत लेबल लगा के अवैध शराब पे लेबलिंग करके फर्जी लेबल बना के, लेबल के भी कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत ये रेवेन्यू लॉस भी करा देते हैं, उसका लेबल लगा के बिना टैक्स पे किए हुए और बिना किसी चेकिंग की शराब की, जनरली शराब का एक मानक होता है, उस किसी मानक के अनुरूप इनकी शराब है कि नहीं उसको बना के लोगों को गुमराह करते हुए बेचने की इनकी कार्यप्रणाली बना ये किया करते थे। और एक और सूचना भी अभी प्राप्त हुई कि इनके परिवार में किसी के पास शराब का लाइसेंस भी है। इसके ऊपर भी एसएसपी महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुए जिस जनपद में इनके परिवार में शराब का लाइसेंस है उसके निरस्तीकरण के लिए भी रिपोर्ट दी। सर, इनके साथ वाले अन्य जो सदस्य थे वो पूर्व में गिरफ्तार होकर जा चुके हैं, यही अकेले वांछित बचे थे, और इसीलिए इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था, और आज इनकी गिरफ्तारी करके इनके पूरे गैंग को इस तरह से जेल भेजा जा रहा है। ये अंतिम कड़ी थी जिसको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और अब क्योंकि सभी लोग चले गए जेल में तो इनके ऊपर गैंगस्टर और आगे कार्रवाई। इनसे हमें 20 लीटर अपमिश्रित शराब और ये शराब बनाने का कच्चा सामान जिसमें नौशादर और यूरिया ये बरामद हुआ है, और इनसे एक बोलेरो गाड़ी भी बरामद हुई है जिसको भी मुकदमे में दाखिल किया।